है तो सुना लो। हाँ कमिका कमिका सुना लो। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। मेरा नाम है श्रेयस शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला जी की रिपोर्ट। आज लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम था। केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय अजय कुमार मिश्रा के पैतृक गाँव बनबीरपुर भी जाना था। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर किसान नेता काले झंडे दिखाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले ही कुछ बीजेपी नेताओं और किसानों में बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक मौके पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में कई किसान घायल हो गए। इस हरकत से गुस्साए किसानों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। मौके पर बवाल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डीएम और एसपी घटनास्थल पर अभी भी मौजूद हैं। लखनऊ से कमिश्नर और आईजी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन ने दावा किया है कि हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई है, मगर जिला प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट कर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर से लखीमपुर खीरी के लिए अभी अभी रवाना हो चुके।